भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने प्रदेश स्तरीय आह्वान पर प्रदेश भर में चीन के खिलाफ प्रदर्शन किए। इसी कड़ी में मंडी में भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाया गया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा प्रदेश भर में चीन के खिलाफ प्रदर्शन किए गए। इसी कड़ी में छोटी काशी मंडी में राष्ट्रपति का पुतला जलाया गया तथा कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ नारेबाजी कर अपना रोष जाहिर किया। इस अवसर पर युवा मोर्चा द्वारा आम जनता से चाइना की सामग्री का बहिष्कार करने की अपील की गई। इस अवसर पर अपने संबोधन में युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष राकेश वालिया ने कहा कि चीन भारत की सीमाओं में घुसने की बार बार जो कोशिश कर रहा है उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के साथ चीन ने जो व्यवहार किया उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उन्होंने आम जनता से आह्वान करते हुए कहा कि आज हम सबके पास चीन के खिलाफ खड़े होने का समय है, इसलिए जहां हमारी सेना देश की सीमा पर चीन का विरोध कर रही है वहीं देश के भीतर रहकर हमें भी चीन की सामग्री के विरोध में आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़े तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सीमा पर जाकर चीन को उसकी हरकतों का जवाब देगा। इस अवसर पर युवा मोर्चा प्रदेश सचिव भुवनेश्वर ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष कुलदीप ठाकुर, विनय ठाकुर, जिला महामंत्री मनोज ठाकुर, दिनेश चौधरी, सिराज युवा मोर्चा के अध्यक्ष देवेंद्र राणा, संजय कपूर, जगदीश ठाकुर और योगेश ठाकुर सहित युवा मोर्चा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडी जिला अध्यक्ष, आज भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडी जिला के कार्यकर्ताओं ने आज चाइना आर्मी का, चाइना के राष्ट्रपति का आज यहाँ पे पुतला जो है जलाया है। आज हम चाइना का जितना भी सामान हिंदुस्तान में आ रहे हैं उसका भी हम जनता से आह्वान करते हैं और इस तरह से हम कि हम उसको जिस तरह से चाइना ने हरकत की उसका जवाब हम आज देश में किस तरह अंदर रह के दे सकते हैं। आर्मी के लोगों ने आज सीमा के ऊपर दिया है। हिंदुस्तान के सभी लोगों को भी चाइना के बहिष्कार करना चाहिए, चाइना के विरोध में खड़े होने का आज की डेट में समय भी है। आज की जो परिस्थितियां उसी हिसाब से आज पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी महामारी ने आज हिंदुस्तान के होते हुए तो पूरे विश्व में जो महामारी छाई है उसके बाद बावजूद भी आज ऐसी स्थिति पूरे देशों के सामने बनी है, मगर भारत और चाइना की सीमा के ऊपर चाइना की आर्मी के द्वारा जो एक भारतीय सेना के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया और भारत की सीमा में घुसने का बार बार जो प्रयास किया जा रहा है उसके लिए हम चाइना का विरोध आज करने के लिए यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हुए थे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे हिमाचल प्रदेश में इस तरह से विरोध चाइना का कर भी रहे हैं और हम जनता से भी अपील कर रहे हैं कि इस तरह से चाइना के खिलाफ आज हमें खड़े होना चाहिए। आज हमारे देश के नौजवान, आज हमारे देश के सैनिक जो शहीद हुए हैं उनके लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से मुख्य सच्ची श्रद्धांजलि यहाँ पे अपील करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में उनको साहस दे और आज पूरा हिंदुस्तान उन परिवारों के साथ है, आज भारतीय जनता युवा मोर्चा उनके साथ है, आज नौजवान इस देश का हर नौजवान उनके साथ है और हम चाइना को इतना कर ही कहना चाहते हैं अगर इस देश की तरफ फिर से ऐसे आंख उठाकर देखने की, फिर से कुछ ऐसी गलत काम करने की, इस देश की सीमा के साथ कुछ ऐसा करने की दुस्साहस अगर दोबारा करता है, अगर इस देश के नौजवानों को भी सीमा के पास जाकर चीनी सैनिकों का मुकाबला करना पड़ेगा तो हम लोग पूरे नौजवान इस देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत।